के मुख्य अतिथि श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा और साक्षरता हमारे मध्य पधार चुके हैं। आप सबसे अनुरोध है तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनका स्वागत किया जाए। इस प्रांगण में हम सब आज इस शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। We had 1,273 applications this year, out of which, after the initial set of scrutinies, 242 applications were finalized initially. Out of those, another level of scrutiny, and each scrutiny was done by an expert committee which was appointed by us. Finally, 61 people went for the final interview and production of evidence before a national level committee which was headed by the principal of Khalsa College. And there were also other jury members who were experts in their own field and from higher education. And out of these 61, the 40 who were chosen, three were chosen for the national awards given by the MHRD, and 37 are here today, each one better than the other, because we have received an application. So I congratulate you immensely, these selected awardees, and we really appreciate the difference you are making to the lives of young children. And as one of our social media posts said, that you are our strength and our pride, and you're changing the world one class at a time. So congratulations, and a very, very good. Dr. Kushwaha, Union Minister of State for School Education, the chairperson CBSE, my colleague, the joint secretary from the ministry, Secretary CBSE Anurag, and everyone else present here today. Thank you so very much for inviting me. Anita has, of course, told you most of what actually needs to be told. I would just like to add my additional few points and perspective. As you know, three of you were selected for the National Awards yesterday. And I don't think that means that they are better than the rest. I think all of you were excellent. But you know what it's like with such processes. It's like an examination. So three people had to be selected. And what we did for the first time, we made a short film on each of the 45 award winners. And I think that has brought an entirely new dimension into the award. सबसे पहले तो मैं शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सब जो अवार्ड ग्रहण करने के लिए यहां आए हुए हैं। टीचर्स, चाहे जितनी अच्छी पढ़ाई में उनकी योग्यता हो, बच्चों को जितना आप बोलकर लिखकर पढ़ाएंगे उससे ज्यादा आपका आचरण व्यवहार, आप खुद किस रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत हो रही हैं या हो रहे हैं, इसका असर बच्चों पर ज्यादा होता है। बच्चे इससे ज्यादा सीखते हैं। बच्चों के मन की भावना को समझकर उनको टीच करना, यह सबसे आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अगर उनके मन की भावना को आप नहीं समझ पा रहे हैं और फिर उसको पढ़ाए जा रहे हैं, उसका असर उतना नहीं हो सकता है। इसलिए आप न सिर्फ शिक्षक हैं बल्कि बच्चों के अभिभावक भी हैं, बच्चों की मां भी हैं, और उस रूप में बच्चों को देखना चाहिए। अपने अपने स्कूल में आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ है। जितना कुछ आपको करना चाहिए, जॉब का जो डिमांड है उससे ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए भी आपका सिलेक्शन हुआ। तो आपको बहुत है। श्रीमती सुनीता एस राव, प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, नाचाराम, हैदराबाद। श्रीमती सुनीता एस राव है। श्रीमती इंदर पाल कौर भाटिया, प्रधानाचार्य, सरला चोपड़ा, डीएवी पब्लिक स्कूल, सेक्टर 56। परीक्षा प्रणाली का
डॉक्टर अंशु अरोरा प्रधानाचार्य एमिटी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 43 गुरु डॉक्टर अल्पना शर्मा श्रीमती उर्मिंदर कौर का जो श्री गुरु हरकिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबाल तरन तारण पंजाब के संस्थापक प्रधानाचार्य श्रीमती उर्मिंदर कौर डॉक्टर अनीता भल्ला प्रधानाचार्य भारतीय विद्या भवन अमृतसर पाठी श्रीमती प्रियंका त्रिपाठी प्रधानाचार्य कृष्णा पब्लिक स्कूल प्रियंका त्रिपाठी डॉक्टर निशित जैन स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल पूछता निशित जैन डॉक्टर दीपक महाकुल श्रीमती सुमा पॉल श्रीमती दिव्य ज्योति चौधरी श्री सुश्री सुमन ठाकुर क्षिप्रा श्रीवास्तव ता शाह प्रधान अध्यापिका ज्योति बेरी सुश्री डी मेरी सुश्री लीना श्रीमती सोनिया छाबड़ा श्रीमती रुपेंद्र कौर सहानी श्रीमती राजी पिल्लई श्रीमती सी लता सी श्री सुतापा आचार्य श्रीमती स्मिता मिश्रा श्री रवदीप सिंह मल्हारी विभाग अध्यक्ष शारीरिक